आपको पता है माइथोलॉजिकल सीरीज में सारे एक्टर्स लोग पेट से बात करते हैं, पेट से बात करते हैं, तो आप पेट पे हाथ रखिए और इस डायलॉग को पेट से बात करने की कोशिश कभी भी याद में रखना। अगर आपको कोई इंटेंस सीन है आप जिसमें एक्ट कर रहे हैं और जिसमें आपको बहुत चिल्लाना है तो गले का उपयोग कभी मत कीजिए क्योंकि गला आपका खराब हो जाएगा, हो जाएगा। सेम डायलॉग को हम किसी तरह बोलेंगे। क्या हाल है भाई? नहीं, क्या हाल है भाई? नहीं, अरे क्या हाल है भाई? मिले नहीं यार। ये चाहिए वो क्या हाल है भाई? बहुत दिन से मिले नहीं यार तुम, ख्याल रखना अपना। ओके, आएगा, कोशिश कीजिए। टेक इट वन मोर टाइम, एक और। अरे क्या हाल है बे? अरे बहुत दिन से मिला नहीं। अरे हाल चाल सब ठीक है तेरा? चल मिलते हैं, ख्याल रखना। कौन है रीजन? पिक्चर का टिकट है क्या सर? दोनों डायलॉग एक साथ लेना है। जब आप शाउटिंग करते हो जी, तो जो ब्रीदिंग है ना आपका, तो पहले ब्रीथ ले लीजिए इतना नहीं, आराम से। ओ शिवा आदमी जब ओ बोलते हैं ना तो ब्रीथ आउट होना, ब्रीथ आउट होना चाहिए। देखो हाँ, तो ओ शिवा फिर ब्रीथ अंदर। ओ शिवा के बाद आपको चांस है ब्रीथ अंदर के लेने का, टाइम मिल जाएगा। ओ शिवा छोड़ दिया। ओ शिवा वो देखो तुम्हारी माँ, वो देखो तुम्हारी माँ यहाँ क्या कर रही है, क्या करने पे तुली हुई है। वो देखो तुम्हारी माँ यहाँ क्या करने पे तुली हुई है। हाँ ओ शिवा, अब वो गुर गुर कीजिए। तो थोड़ा कफ निकलेगा, आराम से आराम से, ज्यादा प्रेशर मत दीजिए क्योंकि ये जो है ना बहुत सेंसिटिव है। हाँ, वोकल कार्ड ठीक है। हाँ, तो आराम से, और गर्म पानी कोशिश कीजिए, गर्म हाँ, पानी पीने का। ये जो बॉटल है ना हाँ, आप अपने पास हमेशा रखा कीजिए, गर्म पानी डाल के उसमें वही पिया कीजिए, बाहर का पानी मत पीजिए। ठीक है। डबिंग में गुनगुना पानी, गुनगुना थर्मोस होता है ना, थर्मोस, हाँ थर्मोस, उसमें भर के लेके आने का। जी 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 ठीक है। और सुबह को है ना एक जैसे आप तो गाते भी हो ना जी, तो जब ओम का जो ओम का मैं 35-40 मिनट मेडिटेशन करता हूँ, तो वो कैसे करते हैं आप? वो तो आँख बंद करके ओ... नहीं नहीं सुनिए सुनिए वही तो, वही मैंने बोला ब्रीदिंग, पहले ब्रीथ इन कर लीजिए और जब आप पहले ओम बोलोगे ना वो कहाँ तक आप सस्टेन कर सकते हो, कहाँ तक? 20 सेकेंड, 25 सेकेंड करते रहिए। छोड़ दीजिए। और जब आप ओम का ध्यान करते हो तो सेंटर में आपका माइंड सेंटर में होना चाहिए। ओम का जाप करने से, ओम बोलने से यहाँ पे आपका फोकस यहाँ होना चाहिए। आंखें बंद कर दीजिए, सांस अंदर ले लिया, जब आप सांस छोड़ते हो तो पहला जो वर्ड आना चाहिए वो ओम, ऐसा कीजिए। मैं वही करता हूँ सर, मैं सिद्धासन में बैठता हूँ सर। नहीं मतलब सांस की टेक्निक बता रहा हूँ। सांस पर ऐसे बैठ के, तो बैठने के बाद क्या होता है, ये प्रॉपर पेट खुल जाता है और ब्रीथ अंदर भी अच्छी खासी होती है और धीरे धीरे फिर बाहर भी जाती है सर। ठीक है जी। 15 हाँ 15 एक से एक बार और अभिषेक करो तो तुम्हारी मन्नत अवश्य पूरी होगी। क्या बोले सर? ओ तो शिव की शक्ति जानती हो तो मन से महाकाल का अभिषेक करो। स्टॉप। ओ शिव की शक्ति जानती हो, शक्ति जानती हो,
स्टॉप, फिर से दिखाइए, यहां देखिए, शुभ शक्ति जाए। जानती हो, मन से महाकाल का अभिषेक करो, वो तुम्हारे पुत्र को उचित दिशा प्रदान करेंगे। एक बात ठीक है, सही, अभी ठीक आया सर, वो हल्के हल्के से जो टचिंग मूवमेंट थे वो छूट रहे थे, तो इसमें